कैलाश पर्वत पर सदाशिव भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों बैठे हैं, तो पार्वती मुस्करा करके बोली कि स्वामी आप मुझे ये बताइए कि इस धरती पर कितना घोर अत्याचार और पाप बढ़ रहा है, ये फिर भी पृथ्वी रसातल को क्यों नहीं चली जाती। तो आज भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम्हें ये भ्रम है, इस पृथ्वी पर जो है धर्म के खम्भ लगे हैं। तो आज पार्वती मचल गई और कहा बोलिए भोलेनाथ से, पार्वती कहने लगी और प्रभु करे सोई होई, का धरती के खम्भे सुना तो दिखाए देव। आज पार्वती बोली स्वामी धरती के खम्भ कहाँ हैं, वो चल करके आप मुझे दिखा दीजिए। तो भोले बाबा पार्वती की बात सुनकर के कहने लगे, ओ पार्वती सुन, तुझे धरती के खम्भ ऐसे दिखाई नहीं देंगे तो भला कैसे दिखाई देंगे। तो भोले बाबा बताने लगे, सुन पार्वती, पार्वती से कहें ऐसे त्रिपुरार है, शोल है बरस की अररर बने जातु नार है। त्रिपुरार है सोले बरस की अररर बने जातु नार है। आज बोले भोले बाबा पार्वती आप जो है सोलह वर्ष की अवस्था में आ जाओ और मैं तुम्हें लेके चलता हूं। लेकिन पार्वती मुस्कुरा के बोली, नाथ मैं तो 16 वर्ष की बन जाऊंगी लेकिन आप कैसे बनोगे। तो भोले बाबा बताने लगे, मैं बना प्रभु कोड़ी तन धारूंगो, तुम्हें खम दिखा करती दिल सोच विचारूंगो, पार्वती अप्सरा लजावे कर ले ऐसा सिंगार है, सोले बरस की अररर बने जातु नार है। पार्वती से कहे ऐसे त्रिपुरार है, सोले बरस की अररर बने जात नार है। आज जब भोले बाबा ने ये बात पार्वती से कही तो पार्वती कहने लगी, स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे भला धरती के खम्भ जो है सोलह वर्ष की को दिखाई देंगे, मुझे तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। भोले बाबा कहने लगे, ना ना पार्वती, आप जब तक 16 वर्ष की नहीं बन जाओगी तब तक मैं आपको धरती के खम्भ दिखाने नहीं ले चलूंगा। तो आज मेरे श्रोताओ, जब भोले बाबा की इतनी बात सुनी तो पार्वती क्या करने लगी उस पर्वत पर, सोनी सम्मुखी बात सती नाय देर लगाई है, ए सुनी सम्मुखी बात सती नाय देर लगाई है। और आज पर्वत के बीच रही ने जरूप बनाई है, और आज पर्वत
सके भी तरह हिरण्य रूप बनाई है। अरे बरस सोने की बन गई है, अरे बरस सोने की बन गई है। उता शंकर भगवान ने लीलाया तू बना ली है। आज भैया भगवान शंकर ने पार्वती को जैसे ही 16 वर्ष की अवस्था में देखा है, आहा भगवान भोले ने कैसा रूप बनाया। अरे कोड़िया रूप बनायो है, अरे कोड़िया रूप बनायो है, और 80 बरस के बने उमा तू वचन सुनायो है। सके बने उमा को वचन सुनायो है। आज भोले बाबा जब 80 वर्ष के बुढ़ा बन गए, कोड़ बहने लगा है और पार्वती से बोले, पार्वती ये पंखा उठाओ और आप जो है मेरे पीछे पीछे चली आओ, मेरी मक्खी भगाती रहना और आज मैं तुम्हें धरती के खम दिखाने के लिए लेके चलता हूं। और हुआ क्या है भैया, कदा छोड़ ना दिया पर्वत पे ये मृत्यलोक में आए हैं, जिन्हें देख देख के नर नारी और आपस में बतराए। अरे देख देख के नर नारी जिन आपस में बतराए हैं, आज जैसे ही भोले बाबा और पार्वती को लेकर के मृतलोक में आए हैं, आप जानते हो क्या मृतलोक के मनुष्यों का काम है कि बुरी भावना करना, गंदे विचार बनाना, और एकदम लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और देखा तो एक 16 वर्ष की सुंदर नारी एक कोड़िया की हवा कर रही है। नौजवान भैया मुस्कुरा के बोले, अरे भैया देखो, और क्या बोले हैं वो नौजवान, आज कहने लगे नौजवान, अरे जाको सैया है बिल्कुल बूढ़ो सोरे जाकी नारी जवान, जाकी नारी जवान। ए भैया देखो इसकी घरवाली कितनी सुंदर है, और पता नहीं इस घरवाली का क्या लगाव है इस कोड़िया से। और नौजवान भैया खिल्ली उड़ा करके बोले, जको दूल्हा, जको दूल्हा बिल्कुल बूढ़ो तो जकी नारी जवान, जकी नारी जवान। और भैया सिर पे जाके बाल रखे, अरे सिर पे जाके बाल रखे, और जा नारी क्या फंद रखे, और जा नारी ने क्या फंद रखे। और भैया देखत लगे भसूरो तो जकी नारी जवान, जकी नारी जवान।
परना बिल्कुल बूढ़ो तो जकी नारी जवान जकी नारी जवान आज इस प्रकार से जब मृतलोक में नर नारी कहने लगे तो पार्वती बड़ी शर्मिंदा होकर के कहने लगी, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरे पति देव हैं और मैं इनकी जो है प्राण प्यारी हूं। नौजवान भैया कहने लगे, सुन तू बेकार में और इस कोड़िया के पीछे पीछे घूम रही है, अरे चलो मेरे पास 100 बीघा खेत है, ट्रैक्टर है, आराम से रहना, इस कोड़िया को जाने दे भाड़ में। तो आज पार्वती रो करके भोले बाबा के पैर पकड़ लेती और कहा बोली, ए पार्वती ओ कहे न लगिए नाथ कहाँ ले जाते हो, धरती के कम दिखाए एक नाहक में हंसी कराते हो। धरती के खम दिखाए रहे नाहक में हंसी हंसाते हो, आज जब पार्वती इस प्रकार से भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी मैंने तो धरती के खम देख लिए, आप जो है लौट करके और अयोध्या नगरी को छोड़ करके वापस चलो, और ये लोग बाग जो है मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो आज भोले बाबा कहने लगे और क्या बोले हैं, तबा हंसे बोले ये सेरे बरदानी, हंसे बोले हैं रे वरदानी, पार्वती से बोले हैं बानी, पार्वती सुन बात हमारी, धरती पर पाप बड़े रहो भारी, आज भोले बाबा बोले कर रहे लोग कपट के धंधे, यहाँ नर नारी भये हैं गंदे, और पार्वती ना तुमसे कछु बात दूरी है, भाई भावना बहुत बुरी है, आज भोले बाबा कहने लगे, पार्वती जिस उद्देश्य से तुम्हें मैं लेकर के जा रहा हूं आप मेरे पीछे पीछे चली आओ, और यहां के लोगों का काम है कि गंदे विचार करना, बुरी भावना बनाना, आप चिंता ना करें, और आज जो है मेरे भोले बाबा पार्वती को लेकर के आगे बढ़े हैं। और बंधुओं धरती के खम कहां लगे हैं जरा आप भी ध्यान करना, और कहां लेकर के भोले बाबा पार्वती को आज जा रहे हैं और हुआ क्या है। अरे धरती के देखन खम सिम के गिरजा संग सिधारी धर, धरती के देखन खम सिम के गिरजा संग सिधारी,
कहा ये नगर अयोध्या आए ये नगर अयोध्या आए भारी मन में हर्षाए और अयोध्या में उस समय राजा कौन था जा परमानदाता भूपय और जकी बिनुमती प्रिय नारी इधर के देखन यानी उस समय अयोध्या में राजा था मानधाता जिसकी पतिव्रता सुंदर नारी थी जिसका नाम था बिंदुमती और आज राजा मानधाता का क्या हाल था कि बाग भी सूखा पड़ा था कुआं में जल नहीं था इतना दुर्भाग्यवश था वो राजा के राजा निपुत्री भी था चौथापन आ गया लेकिन भूख के कोई संतान पैदा नहीं हुई तो आज भोलेनाथ जब बाग में पहुंचे और क्या हुआ है भैया ये तुरंत बाग में आए हैं ये तुरंत बाग में आए हैं और अपने खेल रचाए हैं बगिया हरे आई गई और मैं तिरई फुलवारी धर के देखन खम सिंह के ग्रजा संग सिधारी हाँ। आज जब भोले बाबा की कृपा से बगिया हरी भरी हो गई और कुआ में जल आने लगा मोर पपिया बोलने लगे हैं तो जब मालिन ने बगिया का यह हाल देखा है मालिन तब कहने लगी चरण सी सुनबाए ओ आए कहां से सुधियो मोई बताए आज मालिन बोली बाबा के सामने जाकर के अरे बाबा आप कहां से आए हो और आप बड़े ही अंतर्यामी बाबा हो कि बगिया बरसों से पुरानी जो है हरी भरी हो गई कुआं में जल आने लगा मोर पपिया बोलने लगे हैं एकदम भोले बाबा कहने लगे ओरी मालिन हमें तेरे से बात नहीं करनी है तू जा राजा मानधाता को बुला करके हमारे पास ले आ और हमें राजा से दो बात करनी है आज वो मालिन और क्या करती है अरे सुने बाबा की बात अरे सुने बाबा की बात बेकल भयो गात तुरत बुधाई जाने पलकी करी न तेरा रे भूप के जोरे आई जाने पलकी करी न तेरा रे भूप के जोरे आई आज जैसे ही मालिन महाराज मानधाता के पास में आती है और क्या देखा कि राजा का भरा हुआ समाज बैठा है तो आज वो मालिन राजा के सामने हाथ जोड़ करके बोली महाराज राजा कहने लगे कहो मालिन कैसे आना हुआ तो आज मालिन का गदगद कंठ हो जाता है और क्या बोली है आरे बा गए
कुकोड़ी आयो। राजा अपनी बगिया में एक कोड़ी महात्मा आए हुए हैं और क्या बोली है वो मालिन, अरे बागए कुकोड़ी आयो राजा सुनो रे चितोलाए। राजा कहने लगा मालिन क्या कह रही है तू। मालिन बोली महाराज अपने बगीचा में एक कोड़िया महात्मा आया है लेकिन महात्मा की गति क्या है तो क्या बोलिए वो मालिन। अरे कोड़िया ने करतब कर दियो, अरे कोड़िया ने करतब कर दियो बाग सब हरो भरो कियो। और महाराज अरे कुवन में जल मगायो राजा सुनो रे चितोलाए। ओ बागए कुकोड़ी आयो राजा सुनो रे चितोलाए। और मालिन कहने लगी ओ राजा वो है तो कोड़ी लेखन एक करिश्मा उसके साथ में बहुत बड़ा है। जगदीश मामा क्या करिश्मा बताया है उस मालिन ने। अरे संगम के सुंदर है नारी, अरे संगम के सुंदर है नारी लगे बुआ कोड़ी से प्यारी। सिंह तो न पायो राजा सुनो रे चितोलाए। ओ बागए कुकोड़ी आयो राजा सुनो रे चितोलाए। आज जब राजा ने ये बात सुनी तो एकदम से राजा कहने लगा मालिन क्यों पागल हो गई है, अरे भला ऐसे महात्मा कहाँ हैं जो बरसों से बगिया सूखी पड़ी है उसको हरा भरा कर दें। मालिन जवाब देने लगी नहीं महाराज आप चल करके बगिया को देख तो लेंगे बगिया का हाल क्या है। जब राजा से विशेष विशेष मालिन ने फरमाइश की है तो आज वो राजा और उस कोड़िया से मिलने के लिए बाग में जैसे ही पहुंचा है जाकर के कोड़िया को देखा बाग को देखा तो कोड़िया के चरणों में जो है साष्टांग प्रणाम कर दिया और हाथ जोड़ करके वो राजा मान धाता और क्या बोला है महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान शंकर ने कोड़िया भेष में जब ये राजा के वचन सुने हैं तो जवाब दिया ओरे राजा देख तू देख रहा है कि मैं कोड़िया हूं मेरे संग में सुंदर नारी है लेकिन सुन राजा भिखारी हम ना दौलत के गमों के हम सताए हैं और बड़ी आशा लेकर के राजा तेरे बाग में आए हैं। राजा मानदाता बोला महाराज कौन सी आशा लेकर के आए हो जरा दास के लिए वो आशा फरमाइए। तो आज बोले बाबा और राजा से बोले राजा सुन मेरे मन में क्या इच्छा है। अरे मेरे तन में मरज पुरानी, राजा मेरे शरीर में जो है एक पुराना कोड़ बह रहा है बहुत पुरानी मर्द है और
और अगर तू मेरी इलाज करवा दे तो राजा तेरा बहुत बड़ा पुण्य होगा, मेरी जान बच जाएगी। और भोले बाबा रो करके आज राजा से बोले, अरे मेरे तन में मरज पुरानी और दवा कराए दे ओ राजा दानी, राजा अरे जाते दुखी है हम दोनों प्राणी, कह रहे सवर सिंह आया ज्ञानी, आज भोले बाबा खुले शब्दों में कहने लगे, ओरे राजा बस हमें तेरा राज पाठ धन धाम कुछ नहीं चाहिए, तू केवल हमारा इलाज करवा दे और मैं ठीक हो जाऊंगा राजा, तो तेरा जो है जीवन भर एहसान बंद रहूंगा। राजा समझ रहा था कि कोई साधारण कोड़िया है, और एकदम राजा मानदाता हंस करके बोला, बहरे कोड़िया वाह, तूने मांगा तो क्या मांगा। राजा बोला, महाराज मैं कोई भिखारी नहीं राजा हूं, जितना तुम्हारे इलाज में धन खर्च होगा वो मैं सब करवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें और आप मेरे महलों में आराम से बैठिए। और राजा इतनी बात कह करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। और किस प्रकार से भैया, ओ मन में करा विचार रे भूपो महलन आओ, महाराज नार सोगेरा सुनाई है और बगिया के लो बीच गयो एक कोड़ी आई है, बंधुओं जब राजा ने रानी को बताया कि अपने बाग में एक कोड़िया महात्मा आया है उसका इलाज करवाना है, तो रानी बड़ा खुश होकर के पतिव्रता बोली, स्वामी आप संत की सेवा में तो जितना भी धन खर्च हो उतना कर दीजिए। तो आज राजा मानधाता ने बंधुओं और क्या किया है, अरे राजा ने वेद बुलाए पठाए बगिया के, राजा ने वेद बुलाए पठाए बगिया के, आज राजा मानधाता और हकीम डॉक्टर वैद्यों से कहा, दवा करो कोड़ी की जाके, अरे दवा करो कोड़ी की जाके और पैसा ले खजाने ते आए के, पैसा ले वो खजाने ते आए के, और बुआ कोड़ी नहीं मर जाए पठाए बगिया तू, राजा ने वेद बुलाए पठाए बगिया तू, आज जब
तमाम हकीम डॉक्टर बैद बाग में आ जाते हैं और उस कोरिया महात्मा का इलाज करने लगे। और कहां तक बताया जाए बंधुओं के इलाज को होते होते जो है 6 महीना व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन उधर भगवान शंकर ने एक गजब 6 महीना पहले कर दिया कि राजा की रानी बिंदमती के गर्भ ठहर जाता है। जितना समय उस गर्भ को हुआ और उतना ही समय जो है कोड़िया के इलाज को चलते चलते हो गया। जब 6 महीने में राजा का खजाना बर्बाद होने को आया तो एक दिन राजा मानधाता ने सोचा कि चल करके देखना चाहिए कि कोड़ी ठीक हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही राजा मानधाता जो है बाग में कोड़िया के सामने पहुंचा है और हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज क्या तबीयत में कुछ सुधार है? तो एकदम से भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा मक्कार, अगर तू मेरा इलाज ढंग से करवा देता तो मैं बहुत दिन पहले ठीक हो जाता। लेकिन राजा सुन, क्या बोले हैं मेरे भोले बाबा राजा से, अरे 6 महीना तेरे भाई बाग में और कब तक समय बिताएंगे और नहीं फायदा कछु भाई कोल में आखिर कुमरे जाएंगे। अरे नहीं फायदा कछु भयो कोल में आखिर कुमरे जाएंगे। अरे आखिर को मर जाए मेरे राजा, आखिर को मर जाएंगे, नहीं फायदा कछु भयो कोल में आखिर को मर जाएंगे। आज भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा अगर तू मेरा इलाज ढंग से करवा देता तो मैं बहुत दिन पहले ठीक हो जाता, लेकिन मैं समझ रहा हूं क्या तू बार बार जो है मेरी घरवाली की तरफ देखता है, क्योंकि मेरी घरवाली बहुत सुंदर है। और क्या बोले भोलेनाथ, ओरे राजा अरे सुने राजा मेरी बात, अरे तू भारी गजब करेगो, कोड़िया मर जाए रे घरवारी को हरण करे गो। दिया जल कोड़िया मर जाए रे घरवारी को हरण करे गो। ओ राजा मैंने मन में जानी भूपया जो भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा चल चला जा यहां से, मुझे पता है कि मेरी घरवाली सुंदर है, तू बार बार जो है मेरी घरवाली की तरफ देखता है। राजा तू समझ रहा है कि ये कोड़िया मर जाए तो इसकी घरवाली को मैं अपने महलों में ले जा करके रख लूंगा। एकदम से राजा लंबी सांस लेकर के कहने लगा, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं,
अगर मैं ऐसा समझता तो एक इंजेक्शन बहुत दिन पहले लगवा देता, तुम्हारी छुट्टी हो जाती। लेकिन नहीं महाराज, आप खामखा इल्जाम के गद्दे में मुझे नहीं डालें। बोले बाबा, कहने लगे तो फिर मेरा इलाज क्यों नहीं करवा रहा है तू? बोले महाराज, मेरा तो सारा खजाना बर्बाद हो गया, मैं आपका इलाज बहुत ढंग से करवा रहा हूँ। बोले बाबा, कहने लगे सुन, मेरी दवाई जो है तेरे के घर पे रखी है, लेकिन तू उसे देना नहीं चाहता है। राजा कहने लगो, महाराज मेरे घर कौन सो मेडिकल खोलो धरोए। बोले बाबा, कहने लगे तिरवाचा भर के कहे तो मैं बता भी दूंगा कि कौन सा मेडिकल है। आज बोले राजा नहीं समझ पाए और हाथ उठा करके बोले, महाराज मैं तिरवाचा भर के कहता हूं, जो आप मांगोगे वही पाओगे, पाओगे पाओगे। बोलो कौन सी दवाई है? तो अब तो भोलेनाथ और हंस करके राजा से बोले, राजा सुन, मेरी दवाई क्या है तेरे घर पे, क्या बताया है? सुन राजा की बात कहूं, शिव बोले बचन संजोई, तेरी रानी के छह महीना को गर्भ हुए सो बाई गाय दे। तेरी रानी के पेट में और छह महीने का गर्भ है, और उस गर्भ को निकाल करके लिया और उस बच्चे को कत्ल करके, और जो उसके अंदर खून निकले वो खून तू मेरे ऊपर छिड़क दे, मैं ठीक हो जाऊंगा, बस इतना ही कर दे राजा। आज राजा मानधाता मुस्करा करके बोला, स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा चौथापन आ गया लेकिन आज तक मेरे कोई संतान नहीं, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारी रानी के गर्भ है। भोलेनाथ कहने लगे, राजा जाकर के तो देख गर्भ है कि नहीं। आज वो राजा मानधाता और बाग से जो है महल की तरफ चलता है, और क्या हुआ है भैया? आबत बल मनिहार खड़ी भाई नार के पले मुनवाओ, ले पंका ढोरे प्यार रे परम सुख पायो, भैया पतिव्रता नारी बिंदुमती ने अपने पिया को सुंदर आसन देकर के बिठाया, तो राजा का चेहरा कुछ मलिन था कोड़िया की तरफ से। आज वो पतिव्रता अपने प्रीतम के जब चेहरा को देखती है, धन्य है, और क्या बोली है? चेहरा हसतो खिलतो आज कैसे गए कुमिलाए, और कागज गई दरवाजे पे सैया दियो ने कमोई बताए। और कागज है गई राम बगिया में साजन भेद बतइयो जाए। आज जब रानी राजा से इस प्रकार पूछने लगी है, एकदम राजा कहने लगा, रानी आप पहले मुझे ये बताइए कि तुम्हारे पेट में गर्भ है क्या? रानी मुस्कराए के बोली, हाँ स्वामी, भगवान ने चौथे पन में जो है मेरे और गर्भ दिया है, हो सकता है कि तुम्हारी गद्दी का चलाने वाला पैदा हो जाएगा। जो राजा ने गर्भ का नाम सुना है तो आज राजा तड़ाम सीधे आंगन में गिर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगे हैं, राजा रोने लगा है।
जब राजा को रोते हुए देखा तो रानी ने राजा को उठा करके अपने कलेजे से लगा लिया और एकदम रानी राजा से बोली, स्वामी आपको गर्व की बात सुनकर के खुश होना था लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। तो आज राजा आंखों से आंसू बहा करके और उस रानी से कहने लगा, रानी सुन, अरे बागा जाब कोड़िया ने पियो, रानी अरे बागा जाब कोड़िया ने पियो, पे बच्चनो बगिया में माने लियो, अरे मो पे बच्चनो बगिया में बन लियो, फटो जा तो मेरो हियो, हाँ। आज राजा कहने लगा, रानी उस कोड़िया महात्मा ने जो है मुझसे तिरवाचा भर के तेरा गर्भ जो है मांग लिया है। रानी कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं, अगर मेरा ये शरीर जो है एक महात्मा के हित में लगा दिया जाएगा तो इससे बढ़कर के और क्या जिंदगी हो सकती है। आप उठाओ तलवार और मेरे पेट को फाड़ दो स्वामी। लेकिन महात्मा के ये वचनों के आधार पर और राजा एकदम से रानी से बोला, रानी ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उस कोड़िया के पीछे अपनी औलाद को मिटा दूं और तुम्हें भी मिटा दूं, मैं जाकर के उस कोड़िया को बाघ से भगाए देता हूं, देखे वो मेरा क्या करेगा। तो आज राजा बड़ा क्रोध में होकर के और जैसे ही बाघ में पहुंचा है, भोले बाबा ने आते हुए देखा तो मुस्करा करके भोले बाबा बोले, राजन कहो रानी के गर्भ है। एकदम से राजा कहने लगा, ये कोड़िया रानी के गर्भ तो है लेकिन कोड़िया तू बाघ से जल्दी दफा हो जा, जल्दी निकल। आज जो भोले बाबा ने इतने वचन सुने तो कहने लगे भोले बाबा, बाहरे राजा जब सवाल मैंने किया था तब तो तू सीना ठोक करके कह रहा था जो मांगोगे वही पाओगे, और जब सवाल कर दिया तो तू हमें गुस्सा करके दिखा रहा है। और भोले बाबा आज पार्वती की तरफ इशारा करके और क्या बोले हैं, अरे सुन राजा मेरी बात, अरे हम लौट बागते जाएंगे, सुन राजा मेरी बात, अरे हम लौट बागते जाएंगे, हम बने बनाए भेका मंगाए कहूं अंत जाए अजमाए, लेकिन राजा तेरो दानी सुन के नाम भूपते बगियन आए हैं, तेरो दानी सुन के नाम भूपते बगियन आए हैं, आए हैं भूपते बगियन आए हैं, तेरो दानी सुन के नाम भूपते बगियन आए हैं, हाँ। आज
बोले बाबा राजा से, कहने लगे राजा खैर कोई बात नहीं, हमने तो तेरा बहुत बड़ा नाम सुना था कि राजा मानदाता बहुत बड़ा दानी है, और तू देखने में आया तो राजा कुछ नहीं। पार्वती की तरफ इशारा किया, चलो कोई बात नहीं। वैसे तो रघुकुल में ये रीति थी कि वचन कह करके उलटना तो बहुत बुरी बात है। आज जो भोले बाबा के मुखारविंद से ये वचन सुने हैं तो राजा गदगद हो जाता है, और भोले बाबा से बोला, स्वामी आप बैठ जाओ, जो आपने कहा है मैं अभी पूरा करके लाता हूँ। आज राजा मानदाता लड़खड़ाता हुआ और जैसे ही महल में पहुंचा है तो पतिव्रता ने पूछा, स्वामी उस कोड़िया को भगा दिया क्या? राजा कहने लगा, नहीं रानी, वो कोड़िया नहीं जाएगा। तो आज राजा ने धर्म के हित और क्या किया है भैया? अरे जनते गा हाथ समारो, अरे जनते गा हाथ समारो, और जनते सुनारे को भारो, और छह महीना को लाल निकारो, अरे यादव कहे सारंगपुर बारो, हाँ। आज वो राजा धर्म के हित जब छह महीने के बालक को रानी का पेट फाड़ करके निकाल लेता है, और आज वो राजा उस छह महीना के बालक को कलेजे से लगा लेता है, रानी तो खत्म हो जाती है, और राजा उस बेटा को लेकर के जब महल से और बाग की तरफ चला है तो राजा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और राजा रुदन करता हुआ और बाग की तरफ मेरे बंधुओं जा रहा है, और राजा किस प्रकार से रोता हुआ जाता है। अरे बेटा कैसे बांधू धीर, अरे बेटा कैसे बांधू धीर, कुमार मेरो इकलौता चैया, कैसे बानू धीर लाल मेरो इकलौता चैया, आज राजा जो है रोता हुआ और बाकी तरफ चला है बंधुओं। चौथे पन सुत बनो सहारो, चौथे पन सुत बनो सहारो, बन गौ नाग कोड़िया कारो, बन गयो नाग कोड़िया कारो, अरे खायो आँख निको तारो मेरो इकलौता चैया, कैसे बानू धीर रे मेरो इकलौता चैया, और उस छह महीना के बालक को लेकर के राजा रोता हुआ मैं और महल से जो है बाग की तरफ जा रहा है, और लाला की तो को चूम करके वो राजा बोला,
जैसे बेटा धीरा धरूंगो कैसे बेटा धीरा धरूंगो और तुए मारे भी सुखाए मरूंगो अरे तुए मारे भी सुखाए मरूंगो राजा मान धाता इस प्रकार से जो है रोता हुआ मेरे बंधुओं और बाग में पहुंचा है और ले जा करके वो पुत्र और भोले बाबा के चरणों में डाल दिया। भोले बाबा ने जो उस पुत्र को देखा एकदम आंखें लाल करके कहने लगे ओरे राजा पागल बना रहा है हमें। अरे मैंने ऐसे थोड़ा ही कहा, इस पुत्र को पैर पकड़ करके उल्टा लटका और जब उल्टा लटका ले तो इसकी गर्दन में कटारी मार, जब गर्दन अलग हो जाए वो खून मेरे ऊपर छिड़क दे, मैं इस पुत्र का क्या करूंगा। तो आज राजा रो करके बोला नहीं महाराज, आप भले ही बेटा को ले जाइए लेकिन मेरे हाथों से पुत्र का खून मत कराइए महाराज। भोले बाबा कहने लगे क्यों रे ड्रामा बना रहा है, अरे जल्दी कर नहीं तो हम चले जाएंगे। आज राजा मजबूर हो जाता है और क्या करने लगा है वो राजा। अरे सुत उल्टा लाओ लटकाए रे जन तेगा समारो के कहने के अनुसार और राजा ने उस पुत्र की गर्दन को काट दिया और जैसे ही खून निकला है आहा वो राजा उस खून को लेकर के भोले बाबा के ऊपर छिड़कने लगा और थोड़ी देर के ही अंदर में और भोले बाबा का सुंदर रूप बन जाता है। अब तो भोले बाबा राजा के ऊपर हाथ फेर करके बोले बाहरे राजा वाह अब तो धन्य धन्य भूपाल सुनोते सोई निकरो है अब तो धन्य धन्य भूपाल सुनोते सोई निकरो है। सोई निकरो है सुनोते सोई निकरो है अब तो धन्य धन्य भू
गोपाल सुनोते सोई में करो है। आज जब भोले बाबा का सुंदर शरीर बन गया है और पार्वती एकदम आके फाड़ फाड़ करके देखने लगी, तब भोले बाबा पार्वती से बोले, पार्वती, इशारा किया पार्वती को, राजा बड़ा सुस्त खड़ा है, रो रहा है, और भोले बाबा पार्वती से क्या बोले हैं, और देख हाल ये पार्वती की आंखें रही फटी हैं। और शंकर बोले पार्वती नहीं पे धरन डटी है, अरे शंकर बोले पार्वती नहीं पे धरन डटी है, आज भोले बाबा कहने लगे पार्वती देखा ऐसे धर्मात्मा राजाओं के ऊपर ये धरती रुकी हुई है, और उधर भोले बाबा राजा से क्या बोले हैं। तब भोला राजा से कहे भूप अपने घर कुंजियो, तब भोला राजा से कहे भूप अपने घर कुंजियो, आज कहने लगे भोले बाबा ओ राजा अब तो मैं ठीक हो गया और तू अपने घर के लिए जा। तो राजा गदगद कंठ हो जाता है और रोक करके भोले बाबा के पैर पकड़ लेता है और क्या बोला, महाराज अब मेरा घर है कहाँ। अरे कहते हैं कि सस बिन सुनी रेन, ज्ञान बिन हृदय सुनो, और गज सुनो बिन दंत, हंस बिन सागर सुनो, और घटा जो सुनी दामिनी कहे तो विक्रम सुनो बेताल भैया घर सुनो बिन कामिनी। महाराज जिस घर में नारी नहीं वो घर क्या है, और मेरा तो राज पाट धन धाम सभी बर्बाद हो गया, और अब तो महाराज मुझे आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब संत हुआ जाता है, जब महात्मा बनते हैं तो कब बनते हैं देखा होगा आजकल आपने, और कब बनते हैं संत, मामा जगदीश, के नारे मुई घर संपत्ति नासी, और मुड़ा मुड़ाए भये ऊ सन्यासी, आज राजा को समझा करके भोले बाबा कहने लगे राजा तू अपने घर के लिए जा। और उधर राजा जब घर की तरफ चला है तब तक भोले बाबा ने पुत्र और रानी दोनों को जीवित कर दिया, और जब राजा ने पुत्र और रानी को देखा, और आज राजा उस माया में भरमा करके महलों में जाकर के पुत्र और रानी से मिलता है, बोलिए शंकर भगवान की।